एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी नील सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी मेरे घर के पास जो मंदिर है ना, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय हाय, क्या नाम है आपका? लुटला सिंह। और फिर कुछ बोलो। अच्छा, आपने खाना में क्या खाया? ये भाभी का बेटा है, बहुत ही प्यारा और बहुत क्यूट सा है। लोटी सब्जी। लोग जा रहे हैं मंदिर ना। ये मंदिर ना मेरे घर के पास ही है, हम लोग इवनिंग में गए थे घूमने के लिए। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, दादी सती मंदिर, बहुत खूबसूरत है। अंदर पे ना जाने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर में कितना ब्यूटीफुल सा ये मंदिर है। पहले ऐसा नहीं बना हुआ था मेरे मैरिज के पहले से, ऐसे मंदिर तो बहुत पहले से था बट अब बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है। मंदिर आए हैं, ये माही है, ये चचा की बेटी है, और ये डुगू है भाभी का बेटा। हम लोग सबको आए हुए हैं मंदिर है। दिखाते हैं आप लोग को पूरा। फिर हम लोग मंदिर के अंदर आए, देखिए कितना खूबसूरत सा मंदिर है ना। ये हमेशा ऐसे ही डेकोरेशन किया हुआ रहता है। बाबू बोल रहा है मम्मा मुझे भी बजाना है, फिर वही मैं गोदी करके बाबू से बजवा रही थी। माही है, डुगू, सब हम लोग आए हुए हैं साथ में। बहुत बड़ा सा ये मंदिर है, हम लोग प्रणाम किए फिर पूरा मंदिर पे घूमे, बहुत अच्छा लगा। मंदिर के अंदर में ना सारे भगवान जी का फोटो बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। साइड में ना सारे भगवान जी का फोटो रखा हुआ है, शिव जी हैं, शंकर जी, राधा कृष्ण, ऐसे पूरा बना हुआ है। ये मंदिर पे ना बाबा जी भी बैठे हुए थे, वही सबको आशीर्वाद दे रहे थे ऐसे करके, मोर का पंख होता है ना उससे। हम लोग सब बाबा जी का आशीर्वाद लिए थे, फिर प्रसाद मिला। मंदिर के अंदर में इतना अच्छा लग रहा था ना कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ। मैं बहुत सारा पिक भी ली वहाँ पे मंदिर पे। भाभी का बेटा डुगू है ना, देखिए कितना अच्छा से प्रणाम कर रहा है।
फिर हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर के बगल पे ना एक शिव जी का भी मंदिर है, फिर हम लोग वहाँ पे भी रुके थे। देखिए मेरा बाबू प्रणाम किया, फिर हम लोग घर आने लगे। रास्ते पे पता है क्या हुआ, अचानक से वो मच्छर वाला ना गाड़ी आ गया जो धुआं धुआं पूरा कर दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये भी मैं रिकॉर्ड कर ली, इससे ना सारे मच्छर चले जाते हैं, जितने रोड पे रहते हैं ना वो सारे मच्छर चले जाते हैं। पूरा धुआं धुआं सा हो गया पूरा रोड, हम लोग को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।